आओ, कहिए क्या काम है और कहाँ से आना हुआ? हम देवदूत हैं, देवलोक से आए हैं। तुमने उन्हें बुलाया था ना? नाटक वाला ना, अब जमाना बदल गया है, वो केवल बड़े केसों में ही जाते हैं, लोगों के नाम से मंदिर बनवाते हैं और वो इनकम टैक्स की चोरी में पकड़ लिए जाते हैं। अब वो वहाँ जाएंगे या तुम्हारे पास आएंगे? भाई तुम्हारे केस के लिए तो मैं ही काफी हूँ। बोलो बोलो, कौन तुम्हें परेशान कर रहा है? प्रभु सुपरिटेंडेंट मुझे फंसा रहा है। तो उसे मार डालू? इससे कुछ नहीं होगा प्रभु। क्यों? क्योंकि उसकी एक टक तो उसके ऊपर वाले के जोड़े में थी और उसके ऊपर वाले के एक टक उसके ऊपर वाले के जोड़े। इस तरह सब एक दूसरे के मगरमच्छ हाथी बने हुए हैं। तो सबको मार डालिए, उससे भी कुछ नहीं होगा प्रभु। क्यों? क्योंकि उसकी जगह कोई और आ जाएगा और आपकी बड़ी कृपा को पकड़ लेगा। तो फिर क्या किए जाए? भगवान वैसे हम लोगों में आपस में कोई मतभेद नहीं, पर इस सारे फसाद की जड़ तो वो कागजात है। अगर आप उन कागजातों की चोरी करवा ले तो सर्वशक्तिमान कभी चोरी नहीं करते। कैसे नहीं करते? वो तो माखन की चोरी किया करते थे, उनका तो नाम ही है खाने पीने की चीजों की बात अलग है, ये फाइलों का मामला है। तो आप दफ्तर में आग लगा दीजिए, चपरासी की थोड़ी देर के लिए सुला दीजिए। तुम खुद क्यों नहीं लगा देते आप? चलो मैं वही खड़ा रहूंगा, तुम मेरे साथ में आग लगा देना। हम मनुष्य, हमारी लगाई आप पकड़ी जाती, अगर आप अपने कर कमलों से कार्य कर दे तो ये लो मिलो।